नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव की अगर बात की जाए तो अक्सर वो अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखते हैं, लेकिन कई बार अपनी बातों की वजह से वो ट्रबल मेकर बन जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हाल ही में अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, कई सारी बातें कह दी और अब इसको लेकर उनकी खूब किरकिरी हो रही है। और इसी कड़ी में तो ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव भी उनसे खफा हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव की अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं। उनकी तबीयत में पहले से काफी सुधार हुआ है। आपको बता दें कि पहले उन्हें सीसीयू वार्ड में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के पास उनके तमाम परिवारजन हैं, चाहे हम बात करें राबड़ी देवी की या फिर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की, तेजस्वी यादव की, सभी लोग उनके आसपास ही हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव की तलब की है। दरअसल जब से तेज प्रताप यादव ने इस तरह की बातें कही हैं जगदानंद सिंह को लेकर, तब से कई सारी बातें बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रही है। कई सारे लोग, चाहे सत्तारूढ़ दल के नेता हों या फिर राजद के खुद के कार्यकर्ता हों, वो भी इन बातों को लेकर खफा चल रहे हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव उन्हें अपने पास दिल्ली बुला रहे हैं, इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अगले एक दो दिनों में तेज प्रताप यादव दिल्ली कूच करेंगे और अपने पिता से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत में पहले से काफी सुधार हुआ है। उन्हें दिल्ली एम्स के आईसीयू वार्ड से सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है। राजद सुप्रीमो का पूरा परिवार इन दिनों दिल्ली में है। सूत्रों के मुताबिक राजद नेता तेज प्रताप भी उनसे मिलने दिल्ली पहुंचने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के प्रति की गई बयानबाजी के बाद पिता पुत्र की पहली मुलाकात होगी। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विधायक तेज प्रताप यादव की जगदानंद सिंह के संदर्भ में की गई बयानबाजी से लालू प्रसाद आहत और नाराज हैं। संभवतः वह तेज प्रताप को एक बार फिर नसीहत देने जा रहे हैं। इससे पहले लालू प्रसाद ने दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह से जुड़े तेज प्रताप की एक लोटा पानी वाले बयान पर रांची जेल बुलाकर समझाया था। उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती एवं अन्य पारिवारिक सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य नेता भी उनसे मुलाकात करने दिल्ली जाने वाले हैं। फिलहाल राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के संदर्भ में तेज प्रताप के विवादित बोल के बाद पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की हैसियत बताने के बाद लालू परिवार की जमकर करकरी हुई है। साथ ही दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले जगदानंद सिंह की भी भारी फजीहत हुई है। जगदानंद सिंह को राजद दफ्तर में ही फजीहत किए जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को दिल्ली तलब किया है। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप एक दो दिनों में दिल्ली जाएंगे। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप के बयान से काफी खफा है। वो दिल्ली बुलाकर तेज प्रताप को सख्त हिदायत दे सकते हैं। लालू के बुलावे पर तेज प्रताप यादव दिल्ली जाएंगे। तो आपको बता दें कि अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया, कई सारी बातें कही, ये तक कह दिया कि मेरे पिता की हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ आप जैसे नेता ही हैं। और मामला जुड़ा था आज़ादी पत्र को लेकर। दरअसल जब से तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के रिहाई के लिए आज़ादी पत्र की मुहिम की शुरुआत की, उसमें कोई भी वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुआ। और जैसे ही वो पार्टी के कार्यालय पहुंचे तो उस दौरान जगदानंद सिंह ने उन्हें रिसीव भी नहीं किया। यानी कि ये तमाम तरह की बातें थी जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कई सारी बातें मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कह दी और एक ट्रबल अपने लिए फिर से सामने खड़ा कर दिया, जिसको लेकर अब तेज प्रताप यादव को फिर से लालू प्रसाद यादव ने बुलावा भेजा है और शायद अब उन्हें इस बात सख्त हिदायत और नसीहत भी दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।